दोस्तों अगर आप अपनी YouTube वीडियो के लिए प्रोफेशनल यूनिक और अट्रैक्टिव वाला YouTube थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको पहले एक टिप्स बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हम सफर अर्निंग। तो दोस्तों टिप्स ये है कि जितना आपका सिंपल वाला थंबनेल रहेगा उसके ऊपर जो भी आपका थंबनेल रहेगा उसके ऊपर सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए ताकि जब भी यूट्यूब इंप्रेशन भेजे ऑडियंस के पास तो वो ऑडियंस को एकदम साफ क्लियर आना चाहिए पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आपने अपने थंबनेल में खिचड़ी पका रखी है। तो जितना आपका सिंपल यूट्यूब थंबनेल रहेगा उतना उस पर जो है ऑडियंस क्लिक करेगी और उस पर आपके जो है व्यू अच्छे आएंगे। तो ये रही आपके लिए टिप्स। एंड अब मैं आपको अपने मोबाइल में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों अपने मोबाइल में और अपने मोबाइल से हम पहले दो फोटो लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये फ़ोटो जो ले रखे ये थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए है कि हमारे थंबनेल में क्या ऐसा है, तो ये इसलिए लिए है और एक ये है, ठीक है। तो मैं इस वाली फ़ोटो से जो है अभी ये थंबनेल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको इसके बैकग्राउंड को इरेज करूंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर ये है साइट रिमूव डॉट, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए रिमूव डॉट बी जी ये है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाली जो साइट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी फ़ोटो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यही वाली जो हमने यहाँ पे अपने मोबाइल से कैप्चर की है, तो ये है हमारी फ़ोटो एंड डन। और इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा यह बैकग्राउंड इरेज हो चुका है और इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे अपने मोबाइल में। तो ये डाउनलोड भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब पिक्सल लैब को ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अपना थंबनेल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं साइज़ ले लेता हूँ फुल एचडी का। तो यहाँ पे हम लेंगे 25 का 25 60 का, ठीक है, 2560 इसकी विड्थ एंड हाइट रखेंगे हम यहाँ पे 1440, ठीक है, 1440 ये हो चुका है, ओके। तो ये है एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ये हो चुका डिलीट। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है कलर पे जाके, ये कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये भी ठीक लग रहा है तो ये मैं रख देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर क्लिक। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैकग्राउंड में यहाँ पर एक ब्लैक शैडो ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी से, तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जाके अपनी गैलरी में जाता हूँ, यहाँ पे गैलरी में, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके जो है यहाँ पे शैडो लेता हूँ। ये रही हमारी यहाँ पे शैडो, ठीक है, ये आ चुकी है। और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से खींचना है नीचे की तरफ, ये देखिए ये ठीक है। एंड अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आप इतना यहाँ पे, ठीक है। और ये हो चुका है, थोड़ा इतना रख देंगे यहाँ पे इतना और इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँगा इस तरीके से, ये सेट हो चुका है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी से जो हमने इरेज फ़ोटो की थी इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, ये आ चुकी है। एंड यहाँ से हम इस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ इतना, ठीक है। तो ये लीजिए और यहाँ से हम इसको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हो चुका है, थोड़ा इतना रख देंगे और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ चुकी है टेक्स्ट, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अपना टेक्स्ट, ये मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे यूट्यूब टाइप कर दिया है एंड यहाँ पे ओके। और यहाँ पे इसको इस तरीके से खींच देंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और थोड़ा आगे जाके जो है मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारे फ़ॉन्ट आपको दिए हुए हैं, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
और यहाँ से थोड़ा मैं आगे जाके इसके बीच में स्पेसिंग करूँगा यहाँ पे इतना, एंड ये ठीक हो चुका है यहाँ पे, और इस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से मैं यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट और लूँगा, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जाके अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक दूसरा और इस पर क्लिक, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे अब दोस्तों हम इसको साइज बढ़ा इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे इस यहाँ पे, ठीक है, ये हो चुका है। एंड इसका भी हम फॉन्ट स्टाइल थोड़ा यहाँ से जाके चेंज कर देंगे। ये ठीक लग रहा है इसमें, तो ये देखिए। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे जो है इस थंबनेल को यहाँ पे कलर दूंगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाना है कलर पे, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा यहाँ पे, आगे जाते हैं थोड़ा, और अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है इस पर वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, एंड यहाँ पे जाएंगे और देखते हैं इस पर कौन सा यहाँ पे सही लगता है। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है इसमें येलो, तो थोड़ा ये लाइट दे रहा है, और यहाँ पे इसको फिट कर देंगे, ठीक है, इतना यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल ये हो चुका है, यहाँ पे क्लिक, एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे प्लस पे क्लिक, और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम हिंदी में लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया है बनाएं, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इतना। और इसका यहाँ पे फॉन्ट फिर से हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, ये लीजिए, ओके। और अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं लोगो ले लेता हूँ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे गैलरी में जाके मैं यहाँ से यूट्यूब का लोगो ले लेता हूँ। जो भी लोगो आपको चाहिए वो आप क्रोम ब्राउज़र से PNG डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी लोगो की। तो यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, ये मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक, एंड यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारा यहाँ पे थंबनेल रेडी हो चुका है दोस्तों। और अब हम इसको जो है सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल में, यहाँ पे क्लिक करना है सेव एज इमेज, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइज दे रखा है, तो सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, और ये हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आपको थंबनेल बनाना है अपने मोबाइल से। तो दोस्तों कैसे लगी आज की एडिटिंग आपको कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सो बाय बाय दोस्तों।